ग्राम पंचायत 17 के एचएसएम के प्रत्याशी है राजेश खोदारा। आइए जानते हैं इनसे खास मुलाकात करते हैं कि वार्ड इसमें जो सरपंच पद पर आने का इनका क्या मुद्दा है, पीछे उन्होंने ऐसा कौन सा कार्य किया जो अभी ग्रामीणों ने इनको सरपंच पद पर नियुक्त करने की सोची। नमस्कार जी। नमस्कार जी, आप सरपंच पद धारण करने के बाद ऐसा कौन सा कार्य करना चाहोगे जो ग्रामवासियों को आपसे उम्मीद है? सबसे पहला मुद्दा था हमारे शिक्षा का, क्योंकि हमारे बच्चों को कम से कम 15-20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो हम चाहेंगे अगर हम सरपंच प्रत्याशी बनते हैं तो हमारी पंचायत में अच्छा स्कूल हो, अच्छे शिक्षा प्राप्त हो। आपके पंचायत में अभी तक स्कूल नहीं बने? स्कूल है लेकिन अच्छे शिक्षक नहीं है और अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त होती। पीछे जो सरपंच थे पूर्व में, उन्होंने ये कोशिश नहीं की? अगर कोशिश की होती तो शायद ये दिक्कत नहीं होती। स्कूल जो है इनके ग्राम पंचायत में बने हैं लेकिन शिक्षक है वो अभी तक यहाँ नहीं आए। पूर्व में सरपंच थे, उन्होंने ये कोशिश भी नहीं की। जैसे इलेक्शन का टाइम आता है, सरपंच विधायक एमएलए है वो बड़े बड़े पानी बिजली शिक्षा शौचालय भवन सबका बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जैसे ही इलेक्शन हो जाते हैं उनका रास्ता तक भूल जाते हैं। आगे आप और क्या प्रयास करना चाहेंगे? प्रयास तो हम जारी रखेंगे। हमारे दादाजी ने ये रोड निकाली है, हमारे भीमसेन जी के टाइम में लाइट लाए थे और हम उनके वो प्रयास उन्होंने किया था उसको आगे बढ़ाएंगे। अब सरपंच पद में आने से पहले आपने ऐसा क्या कार्य किया जो ग्रामीणों की नजरों में आए आप सरपंच पद के लिए? हमें यहाँ आए हुए 30 वर्ष हो गए हैं, यहाँ पे पहले रोड नहीं थी। हमारे दादाजी ने यहाँ पे रोड निकाली है 26 BLD से 17 के चल तक। आपके दादाजी के पास ऐसा कौन सा पद था जिन्होंने ये पद नहीं था, ग्रामीणों का सहयोग था और उन्होंने भीमसेन जी विधायक से मिलकर ये काम किया है। और यहाँ पे लाइट भी नहीं थी तो हमारे दादाजी ने सब साथ मिलकर ये काम किया है। कोई पद नहीं था, आम किसान था, फिर भी मेला नेताओं से मिलके उन्होंने रोड निकाली, बहुत ही अच्छा काम है। आइए हमारे साथ कुछ ग्रामीण खड़े हैं, उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जी, आप इन कैंडिडेट को इस मैदान में उतारे हो तो उनसे क्या आशा रखते हैं? हम इनसे आशा रखेंगे कि स्कूल की जो आपने बोला है कि सामने इनके सामने यही रखी है कि स्कूल की जो टीचर्स लोग हैं बहुत कम हैं, बच्चे पढ़ने में टीचर लोग कम है या फिर है ही नहीं? नहीं है, है तो सही लेकिन कम है, लेकिन जितने होने चाहिए थे उतने नहीं है, नहीं से भी नहीं है, मतलब कम है, ठीक है ना। जैसे 10 होने चाहिए उनमें से सिर्फ 4 है, नहीं बाकी टीचर कम है, उनकी शिकायत आपने नहीं की? नहीं, शिकायत तो ऐसा है जी कि करते हैं शिकायत भी, शिकायत हमने उनसे अनुरोध भी करते हैं, शिकायत तो एक अलग चीज़ होती है, अनुरोध भी करते हैं, सब चीज़ होती है। लेकिन एक प्रशासन के हिसाब से जो इनका जो लेवलिंग सिस्टम है वो अभी आम नागरिक है, इनकी आवाज है वो प्रशासन नहीं सुनाई दे रहा। कई बार उन्हें गुहार लगाई प्रशासन ने लेकिन अभी तक इनकी आवाज जो है वो सुनवाई नहीं की गई। आगे आप ऐसा कौन सा, जैसे हम देखते हैं कि इलेक्शन होने के बाद ये सभी गरीबों के रास्ते तक घरों के भूल जाते हैं, आपको पूरा विश्वास है कि ये आपकी उम्मीद पे खरा उतरेंगे? ठीक है, हमने इनसे वादा किया है कि जो भी जैसे कि हम देखते हैं इलेक्शन आते हैं तो वादे तो सभी लोग करते हैं, लेकिन आपको पूरा विश्वास है ये कैंडिडेट है वो आपकी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे? नहीं, इनके ऊपर हमें पूरा विश्वास है। इनके दादाजी के कलकर्म द्वारा जो लाइन की हुई है उनके लिए इन्होंने हमने इनको खड़ा किया है, ठीक है ना। तो ये जरूर करेंगे और हम कहेंगे इनको काम कीजिए। कुल कितने वोटर है इस ग्राम पंचायत? इस ग्राम पंचायत में 1975 सामान्य वोटर है, कोई ज्यादा भी नहीं है, कोई कम भी नहीं है, अच्छे वोटर की ग्राम पंचायत है। अभी जो यहाँ कितने पब्लिक इकट्ठा होती है और आप कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर पाते हैं? नहीं, पब्लिक तो ऐसा है कि जैसे प्रत्याशी होता है ना उस हिसाब से, मान लो 5 है हमारे यहाँ पर कैडेट खड़े हुए हैं, तो उनमें से जो पब्लिक है, पब्लिक का तो वो सब हर यही उनसे उम्मीद रखते हैं, वादा करते हैं कि भाई सब अपने अपने जो भी काम है, जैसे डिग्गी का है, हमारे पुरानी डिग्गी है या डिजर्ट एरिया है, बरसात हो या नहीं हो, नहर कभी फूट जाती है तो टूट जाती है, कभी कॉलो चला जाता है। यदि जैसे में दस लास्ट मान लीजिए टहल है, टहल के अंदर या देख लीजिए 15 से लेकर 16 से लेकर के 18-21 तक तो पानी की कोई पूरी समस्या है, ठीक है ना। पहुँच हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।